हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं BA LLB थर्ड सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट की, इंग्लिश में। हमने उसमें देखा है कि टॉपिक्स हम पहले चेक कर चुके हैं कि उसका सिलेबस क्या है। उसमें फोनेटिक्स है, बिब्लियोग्राफी, ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली हम CCS यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं स्टोरीज़। पाँच स्टोरीज़ हैं इसके अंदर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर इन्हीं में से आता है। फोनेटिक्स वगैरह जो भी है, मे बी 10 5 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है वो, बट जो बाकी के 10 और 20 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ स्टोरी में से बनते हैं। एंड बाय चांस अगर बिब्लियोग्राफी का क्वेश्चन आता भी है तो वो हमेशा एक स्टोरी के क्वेश्चन के साथ और में आएगा, दैट इज़ ऑप्शनल में आएगा। तो मैंने पहले ही 3 स्टोरीज़ में करा चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं आपको पहले डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह में चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द फ्लाई, जो कि लिखी थी कैथरीन मैसफील्ड ने। अब देखिए, जब हम पिछले सेमेस्टर की बात कर रहे थे वहाँ पे नॉवेल्स थी तो इनका एक ही राइटर होता था। अब हमारे पास पांच स्टोरीज है, सॉरी, तो हर एक का राइटर अलग है। सो इस बार हमें चार राइटर्स का नाम याद रखना है, हमें ऑथर्स का नाम याद रखना है, बिकॉज अब कितनी बार वो क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्या वो ही बोल सकता है। तो कैथरीन मैनफील्ड की जो भी स्टोरी है आप उसको डिस्क्राइब करो, उसके किसी फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब करो पूरा। अगर आपको ऑथर का नाम याद नहीं है, राइटर का नाम याद नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ कैसे करोगे। सो आपको याद करनी होगी। द फ्लाई के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, अगर किसी ने वेम्पायर डायरीज देखी हुई है तो दैट वॉज, उसमें कैरेक्टर था कैथरीन के नाम से, शी वॉज अ वेम्पायर, तो आप उससे याद कर सकते हो कैथरीन मैंसफील्ड। ऐसे करके आप कुछ ना कुछ आपको बनाना होगा तभी आप याद कर पाओगे। तो फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आगे बात कर ले हैं। देखिए स्टोरी है क्या, एक आदमी है वुडी फील्ड नाम का, ठीक है, एक बूढ़ा बुजुर्ग सा आदमी है, जेंटलमैन सा, सीधा साधा सा इंसान है। वो अपने बॉस से बात कर रहा है और बॉस के कैबिन में ही बैठा हुआ है। वो बॉस है और काफ़ी साल से वो साथ में काम कर रहे हैं, तो दे आर सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो, जो कि उससे 5 साल बड़ा है। कौन? बॉस बड़ा है वुडी फील्ड से, ठीक है। उसके जो बॉस है उसने भी रिसेंटली जो अपना रूम, अपना जो ऑफिस है उसको रेनोवेट कराया है, और उसने वुडी फील्ड को बुलाया है ये दिखाने के लिए कि देख मैंने कैसे रूम मॉडिफाई करा है। और जो वुडी फील्ड आदमी है, इसके दोनों बेटों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिसमें से कि उसके दोनों बेटों की डेथ हो चुकी है। तो अब वो बड़ा परेशान आदमी है भाई, जिसके 2 जवान बेटे चले गए, वो तो परेशान ही है, बहुत ज़्यादा दुखी है। अब उसका जो बॉस है वो हमेशा थोड़ा हंसता खेलता दिखाता नहीं है, उसे कोई भी दुख होता है, तो बड़ा स्ट्रांग सा आदमी है। वो देखता है उसके कैबिन में जाके इधर उधर नज़र मारता है, देखता है कि यार सब कुछ तो नया है, बट दीवार पर ये फ़ोटो इतनी पुरानी धुंधली सी क्यों टंगी हुई है। जो बॉस है उसके रूम में एक फ़ोटो टंगी हुई है, फ़ोटो फ्रेम टंगा हुआ है, और वो काफ़ी पुरानी, एक बहुत धुंधली सी पिक्चर है। तो वो देखता है कि ये ऐसी पिक्चर क्यों है। वो जैसे बात करते करते ऐसी बातों बातों में अपने बॉस को ये चीज़ बोलता है कि जो मेरी 2 बेटियां हैं, अब क्रिश्चियंस वगैरह जो होते हैं, जब ये लोग मर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, डेथ हो जाती है इन लोगों की, तो इनकी ग्रेव्स बनती हैं, राइट, सीमेंटेड फॉर्म में इनका नाम और ये सब लिखा जाता है। यही टाइम होता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वॉर में ही उसके दोनों बेटे शहीद हुए हैं, वो मिलिट्री में थे एंड उसके दोनों बेटे वुडी फील्ड के शहीद हो चुके हैं, ठीक है। तो वैसे बात में बोलता है कि जो मेरी 2 बेटियां हैं, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरे बेटों से मिलने उनकी ग्रेव पर गई थी, और ऐसे बताते बताते बेचारा बहुत दुखी हो जाता है जो उसका सीनियर है। अब वो ये चीज़ सोचता है, मतलब उसको सडनली लगता है दिमाग में कि इसको क्या हो गया, उसने ऐसी बातें क्यों होने लगी, और उसको थोड़ा बहुत अनईजी सा फील होने लगता है, वो चीज़ उसके चेहरे पे देखने लगती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल जैसे ना मूड चेंज हो जाता है इंसान का, वो ऐसे हो जाता है। तो वुडी फील को लगता है कुछ अजीब सा लगता है, तो वुडी फील क्या बोलता है कि चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू ऑफिस, आपका ऑफिस बड़ा अच्छा ये है वो है, मैं चलता हूँ और मैं आपसे बाद में मिलूँगा, ये कह के वो तो चला जाता है वुडी फील। बट जो उसका बॉस है वो थोड़ा सा ना डिप्रेस सा हो जाता है, जो खुशी थी उसके नए ऑफिस की, जो वो दिखाता था सबको कि मैं बहुत खुश इंसान हूँ, वो वहीं के वहीं ख़त्म सी हो जाती है। वो बेल बजाता है और अपने सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि किसी को भी मेरे कैबिन में मत आने देना, मुझे ये पर्सनल टाइम चाहिए, ठीक है। अब वो बैठा रहता है और वो जो तस्वीर लगी हुई थी, वो जो फ़ोटो फ्रेम था दीवार पर, उसको देखता रहता है बस बैठ के। अब इस टाइम पर हमें ये चीज़ पता चलती है उसका बेटा भी शहीद हो चुका है, ठीक है, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और वो कभी दिखाता नहीं है किसी को कि मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ या अपने बेटे को लेके मैं परेशान हूँ, भाई मेरा बेटा चला गया, ऐसे वो हमेशा कुछ नहीं दिखाता। अपनी जो लाचारी है, जो अपना बेबसपन है, वो किसी को दिखाता नहीं, उसको अपने अंदर ही रखता है, ठीक है। तो बैठा रहता है, बड़ा सोचता रहता है, बट आंसू नहीं बहाता, पर अंदर ही अंदर से वो पूरा ऐसा इमोशनली भर चुका होता है कि अपने बेटे की तस्वीर देखता रहता है। तभी अब पुराने ज़माने की कहानी, तो पहले के ज़माने में लोग इंक पॉट में
अपना जो पेन है या मोर का जो पंख होता था उसको डुबो के लिखते थे ऐसे करके, तो इनके इंक पॉट रखा रहता है। तो वो उस इंक पॉट में देखता है, उस इंक पॉट में एक मक्खी, एक हाउस फ्लाई होती है जो उसमें फंसी हुई होती है। तो वो क्या करता है, उस फ्लाई की थोड़ी मदद करता है उसको निकलने में, वहाँ से उड़ने में। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बट वो अपने आप को क्या करती है, साफ करने लगती है अपने पंख को, अपने विंग्स को। अब भाई गीली हो गई इतनी ज़्यादा, तो जल्दी सूखी नहीं कि वो उड़ने भी लगे। अब पंख तो सूखे होने चाहिए तभी वो उड़ सकते हैं। तो वो क्या करती है, बार बार अपने आप को ऐसे धीरे धीरे चलने शुरू करती है। वो बार बार क्या करता है, जहाँ मक्खी, जहाँ पर वो फ्लाई चलती है, वहीं एक ड्रॉप चिपका देता है। तो जैसे नहीं चींटी चल रही होती है, हाथ रख दो फिर चींटी पूरा घूम के जाती है ऐसे करके। तो बहुत देर तक फ्लाई के साथ ऐसे ही करता रहता है, और जब तक वो इंक गिराता ही रहता है, एंड इवेंचुअली फ्लाई की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो उसके बाद वो क्या करता है, वो जो पेपर था, ब्लोटिंग पेपर जिस पे ये सब कुछ वो कर रहा था, वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है, और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि एक और नया पेपर लेके आओ। ठीक है, अब इससे हमें ये काफ़ी फेमस स्टोरी में ये पता चलता है कि जब बार 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 उसके इंक गिराते गए गिराते गए गिराते गए, पर उसने होप नहीं छोड़ी अपने आखिरी दम तक भी। ठीक है, तो हम ये तो फिर भी इंसान है, हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। इस कहानी से मिली कि भले कितने भी दुख हो, कितनी भी दिक्कतें हो ज़िंदगी में, होप नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी द फ्लाई, कैथरीन मेंसफील्ड ने ये स्टोरी अपने बिल्कुल एंड स्टेजेस में लिखी थी, जब उनको उनको कैंसर था, जब उनको कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी कि कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम बात करेंगे द नेक्स्ट स्टोरी द लेमेंट, ये एंटन पी शेखोव की स्टोरी है। ये स्टोरी बेसिकली यहाँ से आती है कि ये जो भी राइटर्स हैं, चाहे वो कोई नॉवल लिखी जा रही है, कोई कहानी लिखी जा रही है, कोई मूवी बन रही है, ये सब क्या होता है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हो रहा है, जो राइटर्स आसपास में देख के ऑब्जर्व करते हैं, ये उसी से ना अपनी प्रेरणा लेते हैं और फिर कहानियाँ लिखते हैं। तो कोई भी किसी भी एक ह्यूमन कंडीशन, एक आदमी, अगर किसी इंसान को देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाचार है या कुछ है, और भी मूवीज़ में जो कैरेक्टर्स होते हैं, कोई हीरो या कोई, वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ह्यूमन से, जो नॉर्मली जो सोसाइटी में रह रहा है, जैसे अगर दिखाना है कि थोड़ा गरीब है तो वो हिसाब से दिखाएंगे कि पैसे की तंगी है ऐसा, तो उनसे रिलेट कर पाए। तो हमेशा जो ये ह्यूमन कंडीशन होती है, ये पोएट्स की, शायरों की, इनकी जो बहुत ज़्यादा अटेंशन ये लोग गेन करते हैं। तो जो एंटन पी शेखोव थे, ये एक रशियन राइटर थे, और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे आदमी के बारे में कहानी लिखी है। तो एक बंदा है जिसका नाम है आयना पोटावो, सॉरी, वो एक रशियन कैब ड्राइवर है जो कि अपने बेटे को खो देने से, उसका जवान बेटा ख़त्म हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, एंड वो अपने बेटे, जवान बेटे को खोने से वो इतना ज़्यादा दुखी है कि उसने अपने आप को भर लिया है इस ग्रीफ में, इस दुख में वो भर चुका है पूरी तरह से, कि मेरा बेटा मुझे छोड़ कर जा चुका है इस दुनिया से। अब उसको इस दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा, अकेला आदमी था, कोई परिवार नहीं है, एक बच्चा था वो भी चला गया, उसके पास जीने का कोई मोटिव नहीं है, कोई गोल कुछ है नहीं उसके पास। अब उसकी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा ही परेशान और लाचार सा बन चुका है। अब तो क्या होता है, वो हमेशा यही ढूंढता रहता है कि कोई इंसान मुझे मिले जिससे कि भाई मैं कंधे पे सिर रख के एटलीस्ट रो सकूँ, या जो मेरा दर्द है मैं उसको हल्का कर सकूँ। तो क्या होता है, जैसे दिन में कोई भी गाड़ी, कोई फैमिली आती है कैब में बैठती, कोई बच्चे आते हैं, तो वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी जी लेता है। जैसे 102 नॉट आउट मूवी में जब अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर को वो सारी जगह भेजते हैं जहाँ वो जब उसका बेटा छोटा था, जब उसको घुमाने ले जाता था, ताकि वो अपने बच्चे का चाइल्डहुड जी पाए फिर से। तो सेम चीज़ इसके साथ होती है, जब भी कोई फैमिली है, कोई भी कैब में बैठता है, कुछ भी होता है, तो ये अपनी फैमिली को उसमें इमेजिन करने लगता है कि हाँ हम भी इतने खुश थे, और सब कुछ ऐसी चीज़ें वो इमेजिन करने लग जाता है। बट ये सब तो दिन में, जब दिन चला जाता है, रात हो जाती है, वेन इट कम्स द टाइम ऑफ द नाइट ना, सनसेट हो जाता है, जब उसको अकेले रहना होता है, तो उसके पास कोई एक इंसान नहीं है कि वो जिससे 2 मिनट बात कर ले और अपना थोड़ा सा दुख बांट ले। तो ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मेरे इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। और वो बिल्कुल ही एक इतना एज का आदमी और इतना लाचार आदमी है कि जिसको अपनी ज़िंदगी में कुछ ही नहीं दिख रहा है। रात बढ़ती है उतना ही अकेलापन बढ़ता है, और किसी से बात करने का डिस्परेशन, वो बर्डन हल्का करने का डिस्परेशन उसकी इस बॉडी में उतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब वो डिस्परेशन, वो दर्द, वो इतना ज़्यादा ग्रीफ उसके दिल पर इतना भारी हो जाता है कि वो सब कैब का काम वाम छोड़ के अपने गांव चला जाता है, जहाँ पे एक हॉर्स है जो कि वो भाई बचपन से उसके साथ है, और बहुत टाइम से उस हॉर्स को वो जानता है, और वो एक इकलौती एक ऐसा लिविंग बींग है या कोई भी चीज़ है जिस पर वो रिलाई कर सकता है।
तो वहाँ जाता है, फिर वो उसके ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा फेथ है हॉर्स के ऊपर, वो उसके साथ रहने लग जाता है वहीं पे। कोई भी बात होती है उसी को बताता है कि वो सुन लेगा मेरी बातें, उसी से बात करता रहता है, उसी को ध्यान देता है, उसको खाना पीना हर चीज़ में उसका ध्यान रखता है, और ऐसे अपनी ज़िंदगी जीता रहता है। तो ये जो स्टोरी फ्रॉम एक जो आदमी शायद बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हो, उसके एक बेटे के जाने से वो इतना ज़्यादा अपने शरीर में गिर जाता है, वो इतनी ज़्यादा ग्रीफ में डूब जाता है कि वो अपना सब कुछ, अपनी सिटी लाइफ सब कुछ छोड़ के गाँव जाके एक हॉर्स के ऊपर फेथ रख के अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। सो आई होप आपको दोनों स्टोरी समझ में आ गई हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।